हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? माय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन गुरु पे। माय फ्रेंड्स, आज हम इन्फॉर्मेशन लेकर आए हैं आपके लिए बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन के बारे में। माय फ्रेंड्स, इस बोर्ड के लिए हमारे पास में बहुत सारे कमेंट लगातार आते रहते हैं। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या ये बोर्ड गवर्नमेंट जॉब में चलेगा या ये बोर्ड गवर्नमेंट जॉब में नहीं चलेगा। तो माय फ्रेंड्स, इसके जवाब हम आपके पास में लेकर आ जाते हैं। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स का रहता है कि क्या ये बोर्ड डिफेंस एकेडमी के लिए चलेगा या नहीं चलेगा, यानी कि डिफेंस की जॉब में ये वैलिड है या नहीं है। तो माय फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे बड़ा बोर्ड है पूरे भारत का ओपन बोर्ड की अगर हम बात करें तो वो है नेशनल ओपन बोर्ड दिल्ली, NIOS जिसको बोला जाता है। तो माय फ्रेंड्स, बहुत सी गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं जो ये बोलती हैं कि हम ओपन बोर्ड को स्वीकार्य नहीं करते, चाहे वो बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड है या नहीं है। बहुत सी गवर्नमेंट जॉब ऐसे निकलती हैं, तो इन दैट केस जो है वो NIOS को भी स्वीकार नहीं करते, तो बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड स्किल एजुकेशन स्वीकार है कहाँ से होगा? तो एक तो आपके क्वेश्चन का ये जो है आंसर है, ये रिप्लाई है मेरा, कि जिन जॉब्स के अंदर ओपन बोर्ड को मान्यता नहीं होती उन जॉब्स के अंदर NIOS को भी मान्यता नहीं होगी और बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग ऑफ स्किल एजुकेशन या किसी भी ओपन बोर्ड को मान्यता नहीं होगी। एक तो आपके सवाल का जवाब माय फ्रेंड्स ये हो गया। माय फ्रेंड्स, आपके सेकंड क्वेश्चन का मेरा रिप्लाई है कि क्या ये बोर्ड वैलिड है, क्या ये अदर गवर्नमेंट जॉब्स में चलेगा या इस बोर्ड से आप कहीं और एडमिशन ले पाएंगे। तो माय फ्रेंड्स, ये बोर्ड जो है 2020 में ओपन हुआ और एक ये प्राइवेट बोर्ड है, लेकिन इसको जो है गवर्नमेंट ने मान्यता दी है, सिक्किम गोर्ड ने इसको मान्यता दी है, वहाँ के गजट में ये पास बोर्ड है, जिस अप्रूवल को आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। माय फ्रेंड, इस बोर्ड के पास में AIU का अप्रूवल है। AIU का अप्रूवल मतलब होता है ऑल इंडियन यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जितनी भी भारतीय यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस बोर्ड से पास आउट होने के बाद में स्टूडेंट्स को एडमिशन देगी, वो मना नहीं करती हैं। माय फ्रेंड्स, थर्ड जो हम बात करें, जो NIOS जो भारत का सबसे बड़ा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि गवर्नमेंट बोर्ड है, नेशनल ओपन बोर्ड है, उस बोर्ड की वेबसाइट का जो प्रोस्पेक्टस है उसके अंदर 2021-22 के अप्रूव्ड बोर्ड्स की लिस्ट में इसका नंबर है सिक्किम के अंदर, आप वो भी चेक कर सकते हैं और हमने हमारी पुरानी वीडियोस में भी इस चीज़ को दिखाया है। और माय फ्रेंड्स, जो इग्नू है जो भारत की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसने भी इसको लेटर दिया हुआ है कि अगर इस बोर्ड से कोई भी स्टूडेंट पास आउट होता है तो इग्नू इसको एडमिशन देगी, और भी कई यूनिवर्सिटीज़ ने इसको ऐसा अप्रूवल दिया हुआ है। तो माय फ्रेंड्स, ये सब अप्रूवल जो है बोर्ड्स के पास में है। हम कोई नहीं होते कहने वाले एज ए कंसल्टेंट कि ये बोर्ड गवर्नमेंट जॉब में चलेगा या नहीं चलेगा, यहाँ कहाँ पर इसकी मान्यता है, कहाँ पर इसकी मान्यता नहीं है। हम सिर्फ जो है अप्रूवल के आधार पर ही बात करते हैं। अभी तक कोबसे की लिस्ट में इसका नाम हमें नहीं मिला है। अगर कोबसे की लिस्ट में इसका नाम आ जाए तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो बोर्ड है ये गवर्नमेंट जॉब में चलेगा। माय फ्रेंड्स, नया बोर्ड है, 2020 में ओपन हुआ है, अभी धीरे धीरे करके इस बोर्ड के अप्रूवल आ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं उन चीज़ों को। अगर ये बोर्ड है गवर्नमेंट के सभी नॉर्म्स फॉलो करता है, कंप्लीट करता है, तो डेफिनेटली ये आगे ज़रूर चलेगा, इसके पास में सारे अप्रूवल आ जाएंगे। और अगर मैनेजमेंट ठीक नहीं होती है, ढंग से काम नहीं कर पाते हैं, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो माय फ्रेंड्स ये क्या कोई भी बोर्ड नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा और यूनिवर्सिटी भी इन चीज़ों से बंद हो जाती है। तो माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारी आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोज हम और भी बनाकर आपके पास में लाते रहेंगे। अगर आपको स्टिल ये सब बातें जानने के बाद में इस बोर्ड में एडमिशन लेना है तो हम अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, आप एडमिशन हमारे थ्रू भी ले सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।